हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं एकता, स्वागत करती हूँ आपको अपनी वीडियो में। और गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है वो है मीशो हॉल। मैंने मीशो से की है शॉपिंग, क्योंकि अभी मीशो पे चल रही है सेल। अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो आप भी जाके जरूर कीजिएगा, सेल का फायदा आप भी उठाइएगा जैसे मैंने उठाया। और क्या क्या मैंने खरीदा है वो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं दिखाती हूँ मैंने अभी क्या क्या खरीदा है ना। तो गाइस, सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इस बार जो मैंने खरीदा है। तो वो है मेरा ये वाला ब्लाउज, और इसके साथ जो है मुझे इस तरह की जो है स्लीव्स मिली है, मतलब हाफ से थोड़ी ज्यादा है मेरे यहाँ तक आएगी। तो ये इसके अंदर से दो स्लीव्स मिली है और ये ब्लाउज है। और मैं अभी आपको इसका वीडियो लगाती हूँ कि पूरा ब्लाउज पहनने के बाद कैसे लगता है वो देखिएगा। तो गाइज, ये जो ब्लाउज है मैंने स्कर्ट के ऊपर बेयर कर रखा है, और जो इसका गला है वो वी गला है, और कपड़ा इसका जो है बारीक शिफॉन जॉर्जेट है। कढ़ाई जो है रेशम के धागे से कलरफुल कढ़ाई है। लेंथ ब्लाउज की पूरी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया लेंथ में। पीछे ये इस तरह से फ्रिल दी गई है डोरी के साथ में, और पीछे देखो लेंथ बिल्कुल इसकी परफेक्ट लेंथ है, फिटिंग बहुत अच्छी है। पीछे इसमें हुक दिए हैं, तो ये वाला ब्लाउज जो है बहुत कम्फर्टेबल है, आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, साड़ी के, स्कर्ट के, लाचे के। तो गाइस, दूसरा जो है मैंने ब्लाउज खरीदा है ये वाला। बहुत अच्छा ब्लाउज है, इसका भी मैं भी आपको वीडियो लगाती हूँ, उसमें अच्छे से आपको दिखाई देगा और बताती हूँ कि कैसा कैसा है। तो गाइज, ये वाला ब्लाउज जो है मैंने स्कर्ट के साथ भी और साड़ी के साथ भी आपको वेयर करके दिखाया है। जो है इसकी लेंथ भी ठीक है, और जो है इसमें जो बाजू दी है, बाजू नहीं है, उसके साथ फ्रिल लगाई हुई है, और साथ में जो है इसका कपड़ा शिफॉन बारीक है, और पीछे इसमें हुक नहीं है क्योंकि इसमें साइड में चैन दी गई है, और गले पर इस तरह से इसकी फ्रिल लगी है, जो गला है उसे फ्रिल लगा दी गई है, और बारीक शिफॉन कपड़ा है, एकदम जॉर्जेट वाला, बहुत कम्फर्टेबल है। तो गाइज, जो मैंने वीडियो लगाई है वो इसलिए लगाई है कि मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूं कि आपको ब्लाउज कैसा पहनने के बाद लगता है। और तीसरा जो ब्लाउज है वो है मेरा ये वाला। इसको भी देखो पहनने के बाद कैसे लगता है। तो गाइज, एक ब्लाउज मेरा ये है जो मैंने स्कर्ट के साथ वेयर किया है। ये स्कर्ट के साथ बहुत अच्छा जाता है, गर्ल्स के लिए ब्लाउज बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है बहुत अच्छी है, टमी एकदम कवर हो जाती है, और साथ में इसमें चैन दी गई है, हुक नहीं दिए हैं, चैन लगी है, चैन भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है चैन की। और साथ में जो है इसकी लेंथ सबसे अच्छी लगी मुझे, जो इसका शेप है बहुत अच्छा है, और इसमें कफ दिए गए हैं, जैसे कि पहले फ्रॉक में कफ लगते थे उस तरह से कफ दिए गए हैं। तो और जो कपड़ा है वो इसमें सिल्क है, जैसा कि आजकल साड़ियों में आता है ब्लाउज का, और इसमें जो है रेशम के धागे से कढ़ाई है, थोड़ा सिक्वेंस का काम है, पर चुभने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। और सबसे अच्छी बात है ब्लाउज की जो लेंथ है बहुत अच्छी है, आगे पीछे से आप साड़ी हो, स्कर्ट हो, किसी के साथ भी इसको वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्लाउज है। और गाइज, एक जो मैंने खरीदी वो है खरीदी है साड़ी कॉटन की, क्योंकि गर्मियां हैं और कॉटन की साड़ी जरूर चाहिएगी, और वैसे भी मैं गांव जाने वाली हूं तो मुझे कॉटन की साड़ी की जो थी नीड थी, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो एक मैंने जो साड़ी ली है वो ये ली है, इसमें जो है बॉर्डर कुछ इस तरह से आएगा, मैं भी आपको दिखाऊं, एकदम प्लेन बॉर्डर है, और ये वाला पूरा लहरिया जैसा इसमें है, और ये साड़ी पूरी ऐसी है, और ये इसका जो है पल्ला आएगा ये वाला, और जो इसमें ब्लाउज है वो ये ब्लाउज है, जिस तरह का बॉर्डर है उसी तरह का इसमें ब्लाउज है, और साड़ी बहुत अच्छी है, कॉटन है, तो गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है। पहनने के बाद कैसे लगती है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा। और गाइस, दूसरी साड़ी मैंने मंगाई है ये लाइट कलर है, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से जो है वो लाइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, डार्क की अपेक्षा लाइट कलर थोड़े मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, सोवर लगते हैं। ये तो कुछ इस तरह से है, दो कलर में है, शेडेड है, जो आपको कलर दिख रहा है सेम वही कलर है,
और जो ये साड़ी है इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इसकी लेंथ इतनी अच्छी निकलेगी, पर इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप हैवी भी हो तो आप इस साड़ी को अच्छे से वेयर कर लोगे। और ये जो इसका है पल्ला है, इस तरह से दो शेड में है, और जो बीच में है वो जो थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का जो है वो बारीक वाला जो सितारा आता है ना, बहुत बारीक वाला, ये देखो सीक्वेंस बारीक वाला लगा हुआ, मतलब चुभने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। और जो बीच में हल्की हल्की बूटी दी है, ये जरी का जैसा बारीक वाला, मतलब इसमें चुभने वाली कोई भी चीज नहीं है। साड़ी की जो लेंथ है वो करीबन 6 मीटर इसकी लेंथ है ब्लाउज से अलग, जबकि साड़ियों में क्या है ब्लाउज के साथ ही 6-6.5 मीटर आती है। मोस्टली जो है साड़ी 5 मीटर की आती है, पर ये पहली साड़ी है मेरी जो पूरी 6 मीटर की निकली है। और इसमें जो ब्लाउज है ये कुछ इस तरह से है, ब्लाउज अलग से देखो, ये सिलाई लगी हुई है, ब्लाउज अलग से है, इसके बावजूद इस साड़ी जो है बहुत लंबी है। तो ये पहनने के बाद कैसी लगती है वो अभी आप देखिएगा। और इसमें जो है दो कलर है, मैं दोनों कलर आपको दिखा देती हूँ, आप देखिएगा कैसी है। तो गाइज ये था मेरा मीशो हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय माता दी।